आणि गुमरी से गुमरी दा कह रहे थे कि इसको शादी कर लो, इसको ले जाओ अपने साथ इंडिया। Alexander Chalechenko, he famous in Armenia. Had any Indians before here? Yeah. You have? Yeah. Oh wow, okay. Like they might be medical student, right? She lives in America, California. But in Indians. Okay. Another Indians come to. Okay. Breakfast banaya. Ye Armenian coffee hai. और ये इसके ब्रेड है और टॉफी वॉफी है, सब बढ़िया बंदोबस्त करा है। और सर का घर है यहाँ पे ऐसा, और गेस्ट हाउस है। एक बार रूम दिखा देता हूँ सर ने जो दिया था मेरे को, बहुत अच्छे हैं यार। यहाँ पे हीटर था, सब कुछ है, बेड था, बहुत कंफर्टेबल है, अमेजिंग था यार। मतलब मेरे को अच्छा लगा काफ़ी, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, सब कुछ है, गुड। और जनाब बोल रहे हैं और दिखाता हूँ मैं। यार ये डबल बेडरूम, ओ ओ चनका रश सुपर। यार ऐसा बेड है, कंफर्टेबल है, ठंड भी हो जाती है, इट गेट्स कोल्ड सो यू हीटर इज गुड। हाँ एंड ऐसा बना हुआ है, तो यार आके रह सकते हो, घूमरी ज़रूर आना अगर आओ तो, और जनाब से बातें कराता हूँ। यार ये जैसे मैंने दिखाया था पीछे, मेरे होस्ट थे इस गेस्ट हाउस के, गेस्ट हाउस लारी करके, लामी करके, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यार। आप अगर आओ घूमरी तो यार आपको कहीं और नहीं रहना, आपको यहाँ पे रहना है। और यार कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने अंकल को कल पे करा था, बट यार वो ऐसे है ना कि वो अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहे थे। और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि यार मैं अपनी पर्सनल लाइफ इतनी शेयर करता नहीं हूँ, बट मेरे दादाजी नहीं है अभी इस दुनिया में। वो थोड़े साल पहले उनका देहांत हो गया था 2012 में, बट पता नहीं क्यों मेरे को उनसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। और एक और चीज़, मेरे को लग रहा था कि वो थोड़े अकेले हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी फैमिली सारी येरवान में है, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया था, और यहाँ पे वो अकेले रह रहे हैं। उन्होंने अभी एक गेस्ट हाउस खरीदा है, पता नहीं यार समझ आ जाता है। यस सर, एक सेकेंड वो बात करते हैं। मर्सी, I'm used to spasiba because I was in Russia for 1 month. Yeah. So I always say spasiba. How many years you stay in Gumri? It's 59. 59 years? Oh. Wow, хорошо. And I was born here and I live here. Uh-huh. And go study only in Yerevan in 4 years. But I'm 44 years going Yerevan and coming back because my work is in here too. In? Connected. In. It's connected. Okay. Yerevan. Okay, जनाब कह रहे कि इनका काम जो है वो connected है Yerevan में, तो फिर आते जाते रहते हैं, and most of his life यहाँ पे इन्होंने बताई है, तो ऐसा है। And have you traveled to Russia before? You like or no? Russia? Yeah. No. Good? Travel is very good. Very good? Yes, of course. I also traveled in Russia for 1 month. It's good. And I wanted to go to Georgia also. Russian girls are very good. Russian girls? Zhiguli? Zhiguli, Lada. Car. Woman. Oh, woman. Oh, I thought machina. No, machina. Ruski devushka. Da, kochan karasho. Krasiva. Aurat ka chakkar, babu bhaiya, aurat ka chakkar. Prikrasnaya devushka. Da. It's our football team. Football team? Shirak. Shirak. Shirak stadium. Oh. अच्छा ये शिराक स्टेडियम होगा। Oh, here. अच्छा हाँ, यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम बना हुआ है, तो लाइक लोकल नेशनल टीम, गुमरी टीम। अच्छा हाँ यार, यहाँ पे शिराक लिखा है जैसे आप देख सकते हो, ये टीम होगी। यस
शिराक पूरा लिखा हुआ है। तो यार ये स्टेडियम है, यहाँ पे जैसे अपनी दिल्ली मुंबई की टीम होती है वैसी है, और जनाब मेरे को थोड़ा सा दिखा भी रहे हैं तो अच्छा यार। इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो अबाउट द सिटी फ्रॉम लोकल्स बिकॉज यू हैव लिव्ड हियर एंड यू नो एवरीथिंग। यस, हैव यू एवर बीन इन इंडिया? No, no. My family, my son and my wife have been Goa? In conference in Delhi. In Delhi? Yeah. Oh wow! I'm from Delhi. 2 years ago. Oh, oh, before COVID. Yeah. Before COVID, I see. हाँ तो इनकी जनाब की family भी आई है दिल्ली। बहुत बहुत सुन के बड़ा it feels nice to know that your family has been to India. Oh, Mother Armenia, even in Erevan. India. हाँ यार, जैसे दिखाया अपने आर्मेनियन अंकल या आर्मेनियन दादाजी कह लो, भाई अलग लगाव हो गया इनसे। काश मैं यार, काश मेरे पास वो टाइम होता कि मैं रह सकता। बट यार आगे ना मैंने मंडे को शायद एक और एम्बेसी जाना है। अब वो कौन सी है मैं अभी नहीं बताऊँगा। मैंने एक और एम्बेसी में जाना है, अगर वहाँ पे काम बन गया तो हो सकता है मैं यूक्रेन को छोड़ के वहाँ पे जाऊँगा, बिकॉज वो कंट्री मैं बहुत सालों से जाना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे चले जाऊँ। यार जैसे अपने इंडिया में नहीं होता कि यहाँ पे नाम वाम लिख देते हैं लोग, वैसे यहाँ पे नाम लिखे हैं लोगों ने अपने, जो मेरे को समझ तो आ नहीं रहे, बट ऐसे लिखे हुए हैं ब्लैक स्टोन्स के ऊपर नाम लिखे हुए हैं लोगों ने। आर्मेनिया में एक अच्छी चीज़ है कि ये वाटर फाउंटेन टाइप है, तो आप इससे पानी पी सकते हो, हर जगह फ्रेश पानी मिलता है, मस्त पी सकते हो हर जगह पानी के लिए, पैसे नहीं खर्च करना पड़ेगा। यार मैंने ये स्क्वायर रात को दिखाया होगा, ये वार्टनेंट स्क्वायर है, और जनाब का स्टैचू रात को मैंने दिखाया था शायद पिछली वीडियो में या इसी वीडियो में। और ये ब्लैक चर्च है भाई, वॉकिंग टूर ग्रुप होगा, बट ये सारा आर्मेनियन में बोल रहे तो मेरे को कुछ समझ आ नहीं रहा। शायद हिस्ट्री बता रही है इनकी, ये जनाब लड़ाकू थे और कहाँ कहाँ लड़े, मेरे को नहीं समझ आ रहा कुछ क्योंकि आर्मेनियन में। भाई अंदर से तो ये चर्च पूरा टूटा हुआ है, शायद रिनोवेशन चल रही है तो ऐसा कुछ हुआ हुआ है अंदर से यार, टूटा हुआ है पूरा, देख ही सकते हो काम चल रहा है यहाँ पे। मेरे को लगा था अंदर से चर्च बना हुआ है बट ये पूरा बंद है, लोग काम कर रहे हैं। भाई जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था ना कि अर्थक्वेक आया है, तो यार आप देख सकते हो ये काफ़ी टूटी फूटी है यहाँ पे, और यार अर्थक्वेक के टाइम से बिल्ड नहीं हुए है, और यार ये चर्च भी अंदर से पूरा टूटा हुआ था, तो हो सकता है अर्थक्वेक के टाइम पे ऐसा हुआ होगा। ये देख रहे से हो, ये थोड़ा ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं है यार, बट अच्छा है, मेरे को ये डिफरेंट लगा बिकॉज ये ब्लैक स्टोन्स है, पूरी सिटी ब्लैक स्टोन्स है यहाँ पे, तो कुछ डिफरेंट है। यार मेरे ना सिम कार्ड के कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद मैंने डेटा पूरा यूज़ कर लिया, 6 GB था यार, 4 दिन ही हुए हैं, पता नहीं कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी शायद उसमें सारा निकल गया, तो कोई बात नहीं। अभी सर को कॉल करा है, सर एक्चुअली किसी काम के लिए गए हुए हैं, तो मैं गुड बाय नहीं कह पाऊँगा जो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बट मेरे को आगे निकलना पड़ेगा दिल्ली जान के लिए, बिकॉज यार मंडे को मैं अपनी एम्बेसी जाना चाहता हूँ, मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे मॉर्निंग, बिकॉज यार फिर दिन कम रह जाएंगे वीज़ा के लिए और मैं वो नहीं चाहता। अगर कभी वापस मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा, कभी मैं अजरबैजान आया या फिर जॉर्जिया आया तो मैं इस रीजन में विज़िट करूँगा, होपफुली मैं अपने आर्मेनियन दादाजी से फिर से मिलूँगा। भाई एक गड़बड़ हो गई, मेरा ना इंटरनेट ख़त्म हो गया, 6 GB था, पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया यार, मैंने शायद कल वीडियो अपलोड करी थी तो फिर उसके लिए हो गया था। अभी ये जनाब वैलेंटीन है, उनके साथ काउच सर्फिंग करने वाला हूँ मैं आज, तो मैसेज ही नहीं जा रहा मेरा, और उन्होंने एड्रेस बताना है मेरे को अपना, पता नहीं यार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, देखते हैं कोई बात नहीं मिल जाएगा कुछ हिसाब किताब किसी से इंटरनेट मांग के कर लेंगे, भाई मुसाफिर है जुगाड़ हो जाएगा। यार जो अपनी बस थी वो तो मिस हो गई, अब हिचहाइक करने की कोशिश कर रहे हैं वाना जोर और दिले जान, क्योंकि यार यहाँ से टैक्सी लूँगा तो बहुत महंगी पड़ेगी, अगर बहुत रात हो जाएगी तो टैक्सी ले लेंगे, नहीं तो आज हिचहाइक करने की कोशिश करते हैं। हिचहाइकिंग ईजी है आर्मेनिया में, हो सकता है मेरे को लिफ्ट मिल जाए, अभी 2:30 बजे, यहाँ से सीधा ही रास्ता तो शायद कोई ले जाए,
देखते हैं कोई ले जाता है कि नहीं जाता। यार ये दो भाई ने लिफ्ट दी है। ऑफ तो स्टॉप दा दा। तो यार ये दो भाई मिले हैं, इन्होंने स्टॉप दे रहे हैं, आगे तक छोड़ेंगे। भाई हिच हाइकिंग सक्सेसफुल हो गई यहाँ पे घुमरी में, मस्त मज़े आ गए। भाई जिमी जिमी हर जगह फेमस है, जिमी जिमी सीता गीता बॉलीवुड म्यूजिक दा सोवियत यूनियन बॉलीवुड करो शो। भाई यही बोल रहे हैं आर्मेनिया का म्यूजिक अच्छा है, इंडिया का म्यूजिक अच्छा है। इंडीज की म्यूजिक लिसन यू यस यस करो शो। भाई ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही है बढ़िया। जिम्मी जिमी यार सबको पता है यहाँ पे रशिया में, एवरीवन इन रशिया नो जिमी जिमी लाइक रूस की, या एवरीवन लाइक रूस की जिमी जिमी। हिच हाइकिंग चल रही है आर्मेनिया में और यहाँ पे मेरे को एक राइड ने छोड़ दिया। अब यहाँ से हम लोग अपनी हिच हाइकिंग कर रहे हैं आर्मेनिया में। यार ये दूसरी लिफ्ट मिल गई है मेरे को आर्मेनियन फैमिली के साथ। मर्सी फॉर ऑफ द स्टॉप द ये योर नेम आनी आनी गुमरी से गुमरी द वानाजोर द यार वानाजोर तक मेरे को राइड मिली है। और का जोरा जोरा माया जोरा माया और आनी है, ये तीन लोग हैं मेरे को राइड दे रहे हैं भाई। वानाजोर के यार ये लोग बहुत बढ़िया है। आर्मेनिया ऑफ द स्टॉप ओचन का रशो बढ़िया यार, बढ़िया एक्सपीरियंस। अरे यार ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा क्योंकि ना मेरा बैग पड़ा हुआ है ऐसे, तो मैं टर्न नहीं कर पा रहा ऐसे कैमरा, तो ऐसा कुछ है। हिच हाइकिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया है भाई आर्मेनिया रशिया में, हिच हाइकिंग अमेजिंग। यू ऑफ द स्टॉप आर्मेनिया नियत एवर बिफोर नियत वानाजोर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। काफी मजाक मजाक कर रहे थे और ये जो जनाब है आगे बोल रहे थे जो ऑथर मैं इनको अपनी बीवी बना लो, और मैं हंसने लग गया। और यार हर जगह यहाँ पे ना जब भी हिच हाइक करते हो तो सुट्टा ऑफिस ऑफर करते हैं, मस्त मस्त एक्सपीरियंस हुआ यार हिच हाइकिंग का भाई। मेरे को हंसी आई, अभी मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को हंसी आई जब बोलते हैं इसको बीवी बना लो ले जाओ तो उसमें हंसी आई मेरे को, मस्त मज़े आए भाई मस्त। चर्च दा 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 भाई चर्चेस बहुत हैं यहाँ पे, आते रहते हैं। आज क्या मज़े आए हिच हाइकिंग के यार, अलग मज़े हैं भाई। तभी मैं सोचता हूँ ब्लॉगर क्यों हिच हाइक करते हैं, ये पैसे बचाने के लिए नहीं, मैं एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ यार। पैसे खैर आते जाते रहते हैं कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस यार अलग लेवल के हुए। या तो मैं लकी हूँ कि मेरे दो हिच हाइकिंग के एक्सपीरियंस, मैंने हिच हाइकिंग करी नहीं यार इतनी, मतलब कुल मिला के मैंने आज तक 300-400 किलोमीटर की हिच हाइकिंग करी होगी और अभी 70-80 किलोमीटर करी। बट यार क्या एक्सपीरियंस भाई। और अंदर ना वो जनाब कह रहे थे कि इसको शादी कर लो, इसको ले जाओ अपने साथ इंडिया, मैं वो ले नहीं पाया फिल्म पे, बट भाई मेरे को हंसी छूट गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, यहाँ पे भी मैरिज प्रपोजल मिल गए मेरे को, पता नहीं मैं लकी हूँ क्या। और उसने कि उसने फिर पूछा कि ये लड़की आपको पसंद आई, मैंने बोला यार ठीक है सही है अच्छी है, बट ऐसे थोड़ी शादी कर लूँगा, अभी कोई उम्र है मेरी। और यार यहाँ पे आप रशिया और कहीं पे भी करोगे ना हिच हाइक, मेरे को लगता है क्योंकि दोनों बार जब मैंने हिच हाइक करा तो वो सुट्टा ऑफर कर रहे थे। मैंने कहा भाई फूकता तो मैं हूँ नहीं और ना ही मैं करूँगा, उन्होंने दो तीन बार बोला, मैंने कहा नहीं यार मैं सुट्टा नहीं फूकता, बट कोई बात नहीं। यहाँ से 20-30 किलोमीटर किया वो भी हिच हाइक करते हैं, आज बढ़िया बढ़िया हिच हाइकिंग हुई है हमारी। भाई तीसरी हिच हाइकिंग चल रही है टूवर्ड्स दिलजान मेरे होस्ट के घर, काउच सर्फिंग करूँगा उनके साथ। अभी देखते हैं कोई देता है हालांकि लिफ्ट की नहीं, बट यार आज पूरा होप है कि भाई पूरी कंप्लीट करनी है। यहाँ से बस तो जाती नहीं है, टैक्सी लेनी पड़ेगी, बट अभी हिच हाइकिंग करते हैं यहाँ पे।
भाई एक और राइड मिल गई थी, उन्होंने जनाब ने छोड़ भी दिया, दिलजान पहुंच गए भाई। जहाँ लग रहा था 4-5 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे में हिचहाइक करके पहुंच भी गया। अंदर गए जनाब, बस अपने होस्ट से मिलना है, वो थोड़ा वेट कराएंगे क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा। यार आज चेहरे पे खुशी देख रहे हो, 100 किलोमीटर की हिचहाइकिंग पूरी कर ली हमने। और भाई मेरे को लग रहा था थकावट होगी क्योंकि हिचहाइकिंग में थकावट हो जाती है, बट नहीं हुई यार, आज तो अलग मज़े आ गए। तो झोले रखे हैं यहाँ पे, अभी मेरे होस्ट आएंगे 7:30 के करीब, क्योंकि अभी उनकी ना क्लास चल रही है, तो अभी वो आए नहीं है, तो फिलहाल उनके लिए वेट करना पड़ेगा।